ओके जी बेटा, वेलकम बैक। हम अगेन इसे स्टार्ट करते हैं। हम एक बड़ी बेसिक्स एग्जांपल जो है वो पढ़ रहे थे कि अगर ये दोनों फीमेल्स आपस में फिजिकली बैठ के कम्युनिकेशन कर रही हैं तो इन दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है। अगर इनकी लैंग्वेज फ्रेंच है और इनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, बट स्टिल दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। हाउ? दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर बाय यूजिंग देयर हैंड जेस्टर्स, एंड बाय यूजिंग डिफरेंट हैंड जेस्टर्स दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। बट आई थिंक वट इफ वी फेस अ सिचुएशन in which they are asked to leave the city, and both of the females have now moved to the different city. One female is in let's say is in Lahore, and second female is in Karachi, a totally another city, but they still can communicate. How? वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं? वो कम्युनिकेट इस तरह से करते हैं कि ये जो मारिये है, इनके पास एक गैजेट है, इनके पास एक गैजेट है, एक डिवाइस है, और वो डिवाइस क्या करती है, ये उस डिवाइस में बोलती है, और वो डिवाइस इनकी स्पेनिश लैंग्वेज को एक सीक्रेट कोड, सीक्रेट कोड से मुराद ये कि एक ट्रांसलेटर इनके पास है। वो ट्रांसलेटर जो भी ये बोलती हैं, जो भी इनपुट देती हैं, वो ट्रांसलेटर इनकी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है। ये उस इंग्लिश लैंग्वेज को रिटर्न फॉर्म में लेती हैं, रिटर्न फॉर्म में लेके पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक लेटर बॉक्स में डाल के ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है वो उसको भेज देती है। फिर उसके बाद ये इसी तरह से लेटर हमारा यहाँ पर आता है। जब ये लेटर यहाँ पे आता है तो इसी तरह से एन ने भी एक जो है वो ट्रांसलेटर रखा हुआ है। जो भी इनके वर्ड्स होते हैं, जो इनके ट्रांसलेट हुए हुए हैं, ठीक है, वो जो भी इनके वर्ड्स हैं, वो उन उन वर्ड्स को यहाँ पे लाके दोबारा से इनकी बैक ट्रांसलेशन करती है, और वो बैक ट्रांसलेशन इनकी इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। वो दोबारा से जो है वो किसमें ट्रांसलेट होते हैं, इंग्लिश में, इंग्लिश में दोबारा से ट्रांसलेट हो जाते हैं, और वो फिर एन उसको अंडरस्टैंड करती है। तो दोबारा से एन जो है, अगर एन ने मारिया को कोई मैसेज भेजना है तो वो किस तरह से भेजेंगी? वो वही ट्रांसलेटर इस्तेमाल करेंगी। वो ट्रांसलेटर आगे एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देगा। सीक्रेट कोड से मुराद ये है कि वो इस तरह के कोड में ट्रांसलेट कर देगा कि दरमियान में कोई और बंदा उसको जो है वो ना पढ़ पाए। सो वो दोबारा से मैसेज अपना ट्रांसलेट करके पोस्ट ऑफिस के थ्रू, कुरियर सर्विस के थ्रू दोबारा से क्या करेंगी? मारिया को भेज देंगी। सो इसमें जो मारिया अपनी इनपुट दे रही हैं, जो वो अपना अपनी स्पेनिश लैंग्वेज को लिख रही हैं, और लिखने के बाद ये हम कह देते हैं कि ये एक, आप समझ लें कि ये एक अलग लेयर है, ये एक अलग टोटली एक डिफरेंट जो है वो स्टेप है, जिस स्टेप के अंदर सिर्फ मारिया का काम यह है कि उसने जो भी वो स्पेनिश में लिखना चाहती हैं वो लिखेंगी। फिर उसके बाद वो अगले स्टेप में उस ट्रांसलेटर को देंगे। ट्रांसलेटर का सिर्फ काम ये होगा कि वो सीक्रेट कोड जनरेट करे। फिर उसके बाद अगले स्टेप में पोस्ट ऑफिस वाला काम है। पोस्ट ऑफिस में क्या होगा कि वो जो भी सीक्रेट कोड है उसे एक इनवेलप में रखे, उसके ऊपर वो जिस कंट्री में भेजना चाह रही है उसकी स्टैंप लगाएं, और स्टैंप लगा के उसे लेटर बॉक्स में फेंक दें, और वो फिर लेटर बॉक्स उस कंट्री के अंदर मौजूद जितने भी पोस्टमैन है, वो पोस्टमैन उस लेटर को कलेक्ट करेंगे और जिस जगह पे भेजना होगा उस लेटर को जो है वो भेज देंगे। सो ये सारे काम अलग अलग लेयर्स के ऊपर जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। सो इससे हमें ये नजर आता है, इन सारे कामों से ये हमें नजर आता है कि एक्चुअली हर एक लेयर अपनी अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रही, और ये हायरार्किकल वे में जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। सो इस तरह से जो है वो कम्युनिकेशन दोनों एंड पे, मतलब कि ये कोई और लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है, ये कोई और लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है, बट स्टिल they are able to communicate with each other. So this is actually the basic idea behind introducing the protocol layers. कि आप different different systems, different computers को आपस में communicate करवा सकें, irrespective of their different architecture, irrespective of their different logic, irrespective of their different medium of communication. अब इसी लिहाज से बेटा इन चीजों को पॉसिबल बनाने के लिए, तो एक जेनेरिक एग्जांपल थी ना कि व्हाई डू वी नीड प्रोटोकॉल लेयर्स। अब इसी लिहाज से फिर बेटा 1947 में जो है वो हमारा आईएसओ की तरफ से जो है वो ओएसआई मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगा 1970s में जाके। तो ये जो ओएसआई मॉडल था बेटा, अब इस ओएसआई मॉडल में जो हमारे पास लेयर्स थी वो सारी डिफरेंट लेयर्स थी, जिसमें हमारे पास फिजिकल लेयर थी सबसे पहली, फिर डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, ट्रांसलेशन और एप्लीकेशन। इसके ऊपर आपने पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, तो मैं हर एक लेयर को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एटलीस्ट जो है वो रिवाइज तो ज़रूर हो जाए कि इसमें जो है वो हमारा क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। सो अगर हम फिजिकल लेयर की बेटा बात करें तो फिजिकल लेयर में व्हाट डू यू थिंक क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं फिजिकल लेयर के अंदर?
अच्छा, मैं इसमें ये कहता हूँ कि अगर हम फिजिकल लेयर की बात करें तो फिजिकल लेयर को जब हम बेटा देखते हैं तो फिजिकल लेयर पे काफी सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहे थे। हर लेयर की, अब हमने बात करी ना कि हर लेयर की अपनी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिजिकल लेयर के ऊपर बेटा आपको ये नजर आ रहा है कि फिजिकल लेयर के ऊपर, फिजिकल लेयर की सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने क्या करना है, उसने एक फिजिकल इंटरफेस डिफाइन करनी है, एक फिजिकल इंटरफेस डिफाइन करनी। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी? दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने बिट्स की फॉर्म में डाटा को लेके जाना। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या है? उसने फिजिकल लेयर नहीं, इनकोडिंग भी करनी है, ठीक है जी, डाटा को इनकोड भी। डाटा को इनकोड किस तरह से करना है कि देखिए, आपका जो कंप्यूटर से डाटा है वो आ रहा है, उस डाटा को उसने फिजिकल पाथ पे लेके जाना। तो फिजिकल पाथ कोई भी हो सकता है, वो वायरलेस हो सकता है, वायर हो सकता है, अगर वायर्ड वाला मीडियम है तो वायर वाले मीडियम में कोएक्सियल केबल है, या फिर ऑप्टिकल फाइबर है, तो ऑप्टिकल फाइबर के लिए जो सिग्नल ट्रांसमिट किया जाएगा बेटा, वो सिग्नल किस फॉर्म के अंदर होगा, उस सिग्नल के अंदर उसने डाटा को इनकोड करना है। तो ये फिजिकल लेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा इसने डाटा रेट भी डिफाइन करना है। डाटा रेट से क्या मुराद है? डाटा रेट से क्या मुराद है, बच्चा बताएगा। ओके जी, सो हम ये देख रहे थे कि हमारे पास फिजिकल लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका, उसने फिजिकल इंटरफेस भी डिफाइन करनी है। बाय मीन ऑफ फिजिकल इंटरफेस इज जस्ट दैट द फिजिकल लेयर एक्चुअली विल बी डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरफेस between the devices and what kind of a transmission media will be used for that transmission actually to made it happen. So it is the responsibility of physical layer. So it also represents the bits. The physical layer data consists of a stream of a bits. इसमें zero और one की शक्ल में जो है वो आपका data होता है, और उस data को further on डिफरेंट वेज से इंटरप्रेट किया जाता है। फिर इसी के अंदर हमने देखा इनकोडिंग होती है, डाटा रेट भी इसी के अंदर डिफाइन किया जाता है। डाटा रेट से मतलब ट्रांसमिशन रेट। फिर इसके अंदर और क्या हो सकता है बेटा? इसके अंदर हम फिजिकल टोपोलॉजी को भी डिफाइन करते हैं। इसके अंदर हम बेटा अपना सम टाइम हम फिजिकल लेयर पे ही होते हैं, तो हम फिजिकल लेयर पे ही ये चीजें डिसाइड कर रहे थे कि ओके ठीक है, हमारा ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन मोड क्या होगा। सो कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी के व्हाट डू आई मीन बाय ट्रांसमिशन मोड? ओके, सो व्हाट अबाउट आफ्टर फिजिकल ड्रेसिंग, व्हाट आर सम अदर फंक्शंस ऑफ द डेटा लिंक लेयर? हाउ कैन वी फॉरगेट फ्लो कंट्रोल? सो फ्लो कंट्रोल इज आल्सो मैनेज्ड बाय द डेटा लिंक लेयर। सो व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लो कंट्रोल? सो फ्लो कंट्रोल सेज के आप जो डाटा भेज रहे हैं, जिस रेट के ऊपर डाटा भेज रहे हैं, क्या रिसीवर एंड पे इतनी उसकी कैपेबिलिटी है कि वो उस जो है वो उस फ्लो से डाटा को रिसीव कर सके। सो ये फ्लो कंट्रोल, अगर आप सेंडर एंड पे हैं या रिसीवर एंड पे हैं और आपकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, जैसे मैं आपको कोई कोई चीज़, आप अपने इंटरनेट से चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपका आपकी मशीन के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, आपके सिस्टम के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 1 सेकंड के अंदर इतना ज़्यादा लार्ज डाटा जो है वो डाउनलोड कर सके, ज़्यादा साइज कर सके। तो ये फिर हमारा फ्लो कंट्रोल के अंदर ये जो वो आ जाता है। फिर इसी तरह से जो डाटा आपका फिजिकल लेयर से ऊपर आ रहा है, डाटा लिंक लेयर के ऊपर, हो सकता है बेटा उसके अंदर एरर्स भी हों, हो सकता है कि उसके अंदर जो स्ट्रीम ऑफ बिट्स थी वो करप्ट हो गई हो। यू नो, जब ट्रांसमिशन फिजिकली तौर पे हो रही होती तो उसमें मे बी पॉसिबल है कि जो आपकी जो बिट्स हैं वो बिट्स दरमियान में करप्ट हो गई हों, किसी वजह से करप्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, कुछ भी रीजन हो सकती है। तो फिर इसका मतलब है कि डाटा लिंक लेयर को हम ये भी चाहेंगे कि आप एरर कंट्रोल का काम भी जो है वो साथ में करें, एरर कंट्रोल का काम भी आप जो है वो क्या करें, साथ ही करें। अगर हम बेटा बात करते हैं कि एक ही लैन के अंदर, एक ही नेटवर्क के अंदर अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे आप कोई पैकेट भेज रहे हैं, तो एक ही लाइन होगी, तो उस लाइन के ऊपर हम ये भी चाहेंगे ना कि अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पर कोई डाटा भेज रहा है तो एट अ टाइम एक ही सिस्टम कम्युनिकेशन कर सके, अदरवाइज उनके डाटा की कोलिजन भी हो सकती है। या एक नेटवर्क के ऊपर अगर एक सिस्टम डाटा को सेंड कर रहा है तो हम साथ में, हमारी ये भी कोशिश होगी ना कि दो मुख्तलिफ कंप्यूटर अगर डाटा सेंड कर रहे हैं तो उनका डाटा आपस में कोलाइड ना कर पाए, तो कोलिजन के लिए भी कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए।
तो वो भी डाटा लिंक लेयर ही इंश्योर करती है, वो मैकेनिज्म भी जो है वो डाटा लिंक लेयर ही इंश्योर करती है। वो किसमें आएगा बेटा? वो हमारा एक्सेस कंट्रोल के अंदर आएगा। तो इसको आपने पढ़ा भी होगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर्स, इसकी आपने आई गेस आपने देखी होगी। कुछ 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 याद आ रहा है जी साथ साथ क्या क्या? तो उसमें SSH आपको जरूरत नहीं है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द नेटवर्क लेयर, सो नेटवर्क लेयर इज प्रिसाइजली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। सो इसमें जब हम सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हाउ कैन वी फॉरगेट द एड्रेसिंग, सो एड्रेसिंग। तो अब इसमें किस टाइप की एड्रेसिंग यूज कर रहे होंगे? लॉजिकल एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग हम इसमें जो इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब द सेकेंड क्वेश्चन इज के आप जब बात करते हैं कि नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है मल्टीपल नेटवर्क्स की, आई एम सेइंग मल्टीपल नेटवर्क्स, मल्टीपल नेटवर्क्स, सो आई एम सेइंग मल्टीपल नेटवर्क। सो देयर इज नो वन नेटवर्क, इट मींस यू हैव मोर देन वन नेटवर्क, एंड मोर देन वन नेटवर्क कैन बी होमोजीनियस और कैन बी होमोजीनियस और इट मे बी हेट्रोजीनियस। सो हेट्रोजीनियस मींस के इट मे बी a same network, it may be a different network. So when you form a homogeneous or a heterogeneous network, what kind of, you use different sort of a devices, you use routers. So you have to also specify ki aapka packet source se destination pe jab jayega to wo kis path ko follow karega. Matlab misal ke taur par main Lahore se Karachi jana chahta hu to main by air jaunga to air ka bhi koi na koi track hoga. If I want to go from by road, to by road, kabhi koi na koi rasta hoga. So iska matlab hai ki at this point, I think if we need to add one intelligent part here in this layer, wo hamara part hoga routing ka. So the third responsibility isme aa jati hai. Wo third, second responsibility actually, wo second responsibility aa jati hai routing ki. कि राउटर यूज कर रहे हैं आप या स्विचेज इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे इंडिपेंडेंट पाथ्स आपने एक्चुअली बनाए हुए, तो इन इंडिपेंडेंट पाथ्स के लिए आपने ये भी डिफाइन करना है, राउटिंग एल्गोरिथम भी आपने डिफाइन करना है। एक जो है वो आपका सिस्टम खुद से कैलकुलेट कर सके कि इस टाइम उसे किस पाथ से जो है किस रास्ते से जो है वो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए आप आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, सो व्हेन जब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ तो मुझे अगर आगे जाके पता लगे कि ये तो रास्ता ही बंद है, इस रास्ते पे तो बैरियर्स लगे हैं, तो मैं काफी ज्यादा जो है डिस्टर्ब हो सकता हूँ। तो इसी तरह से जो अपना अपना पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, तो वाई कांट वी कैलकुलेट कि कौन से वाली नोड इस टाइम ऑफ है, कौन से ऑफलाइन है, कौन से वाली नोड जो है वो अवेलेबल है, और उस नोड को यूज करते हुए मैं अपने डेस्टिनेशन के ऊपर जो है वो जा सकता हूँ। सो बेटा इसी तरह से सिमिलरली नेक्स्ट लेयर जो है वो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे क्या क्या पार्ट्स आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर एक्चुअली किस पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर एक्चुअली हम इसे कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर ना हमारे एक्चुअली इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द एंटायर मैसेज। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी से क्या मुराद है? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी से मुराद ये है बेटा कि आप देखिए मिसाल के तौर पर आपने अपने फेसबुक चलाई हुई अपने ब्राउजर के ऊपर, आप मैसेंजर खोला हुआ अपने ब्राउजर के ऊपर या ब्राउजर के ऊपर व्हाट्सएप खोला हुआ, तो अब आपका मैसेज, अब आपने अपनी टैब के अंदर दो चीजें खोली हैं। वेरी फर्स्ट टैब, पहली ब्राउजर के अंदर फायरफॉक्स है या गूगल क्रोम है जो भी है, उसके पहले टैब के अंदर आपने गूगल क्रोम खोला हुआ है, दूसरी सॉरी पहली टैब के अंदर आपने फेसबुक खोली हुई है और दूसरी टैब के अंदर आपने व्हाट्सएप खोला हुआ है। अब जब मैसेज आपका आएगा आपके पास, ठीक है, जब मैसेज आपका आएगा तो आपको किस टैब के ऊपर वो मैसेज शो होना चाहिए, किस एप्लीकेशन के ऊपर वो मैसेज शो होना चाहिए? क्या वो व्हाट्सएप के ऊपर शो हो या मैसेंजर के ऊपर शो हो? तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि अगर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो वो मुझे मैसेज वापस व्हाट्सएप के ऊपर आके ही मिले। तो ये जो चीज होती है इसे हम प्रोसेस टू प्रोसेस का नाम देते हैं कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होस्ट कंप्यूटर के ऊपर एक्चुअली में रन हो रहा होता है उसी के ऊपर आके हमें जो मैसेज मिलना चाहिए। तो इस पे ना फिर वो पोर्टिंग का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, तो पोर्ट्स भी डिफाइन हो जाती हैं कि आपने HTTP के लिए अगर आपका कोई कनेक्शन HTTP पे चल रहा है और उस पे आगे फर्दर कोई और एप्लीकेशन आपकी है तो उसका उस पोर्ट के ऊपर जाके ही आपका जो मैसेज आपको मिलना चाहिए, या उससे मैसेज निकला है तो आगे फर्दर किस पोर्ट के ऊपर जो है वो आपने जाना। तो इसे हम कहते हैं एक्चुअली ये आपका सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग है। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो
ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग की कैटेगरी के अंदर आती है, यानी कि हमारे कंप्यूटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा सेवरल एप्लीकेशन जो है वो एक टाइम के अंदर चल रही होती है। जब हम सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी की बात करते हैं तो उसमें सोर्स टू डेस्टिनेशन का हमेशा मतलब बेटा ये नहीं होता कि आपने मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जाना। यू नीड टू एक्चुअली शो अप दैट मैसेज ऑन दैट स्पेसिफिक प्रोसेस, वो स्पेसिफिक रनिंग प्रोग्राम जो कंप्यूटर के ऊपर जो स्पेसिफिक प्रोसेस चल रही है उसके ऊपर ही आपने शो करना है। सो ये ट्रांसपोर्ट लेयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके अंदर उसी लेयर का एड्रेस जो है वो इंक्लूड करती है। उस एड्रेस को हम समटाइम पोर्ट एड्रेस भी कहते हैं। सो नेटवर्क लेयर जो है वो करेक्ट पोर्ट से एड्रेस लेके, करेक्ट कंप्यूटर से एड्रेस लेके फिर आगे जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी करेक्ट पोर्ट के ऊपर भी पहुंचाएगी। अब बेटा देखिए, ये बात तो होगी कि ठीक है, उसने ट्रांसपोर्ट लेयर ने मैसेज ले लिया और आगे एग्जैक्ट पोर्ट के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। बट इसके साथ हम कुछ मजीद जो है वो पार्ट्स भी इंश्योर करते हैं, जैसे इस पे इस लेयर के ऊपर रीअसेंबलिंग भी परफॉर्म की जाती है। इसी लेयर के ऊपर रीअसेंबलिंग भी परफॉर्म की जाती है। रीअसेंबलिंग से क्या मुराद है कि जो आपने सेगमेंट्स बनाई हुई थी मैसेज की, जो आपने याद है हमने पीछे पढ़ा था कि हमने वो फ्रेम्स बनाए हुए हैं, तो वो जो फ्रेम्स की छोटी छोटी सेगमेंट्स बनी हुई हैं उन फ्रेम्स के ऊपर सीक्वेंस नंबर्स लगे होते हैं, तो उन्हीं फ्रेम्स को सीक्वेंस के लिहाज से भी आप क्या करते हैं अरेंज करते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली मैसेज वैसे रिसीव हो सके। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक सिस्टम से बैठ के ये मैसेज भेजा, लाइव मैसेज भेजा, मैं ये वर्ड भेजता हूँ लाइव, तो अब आगे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर मैसेज पहले एल आपको रिसीव होना चाहिए, फिर आई, फिर वी, फिर ई, फिर इस तरह से आपको मैसेज रिसीव होना चाहिए। तो एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में रखने के लिए आप उन्हीं सेगमेंट्स को, मैसेजेस के सेगमेंट्स को एक करेक्टली ऑर्डर में लाने के लिए आप रीअसेंबलिंग भी इसी लेयर के ऊपर परफॉर्म करते हैं। फिर इसके अलावा हम एक बड़ी बात करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि आपने फेसबुक खोली हुई है या व्हाट्सएप खोला हुआ है, तो व्हाट्सएप अगर आप 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए इस्तेमाल ना करें तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली अनअवेलेबल हो जाता है। तो हम कहते हैं कि इसका क्या हुआ एक्चुअली, एक्चुअली इसका सेशन टाइम आउट हो गया, सेशन टाइम आउट हो गया। तो वो जो एक कनेक्शन था, वो एक कनेक्शन जो बनाया हुआ था वो वाला कनेक्शन जो है वो खत्म हो गया। तो ट्रांसपोर्ट लेयर साथ में ये भी इंश्योर करता है कि यहाँ पे जो आपका कनेक्शन है, कनेक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे इंश्योर होगा। अब आपको पता है कि दो किस्म के कनेक्शन कंट्रोल होते हैं। पहली कौन सी टाइप होती है जी? एक होते हैं हमारे कनेक्शन लेस और दूसरा कौन सा होता है जी? हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। तो हर एक सेगमेंट को ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन लेस भी हो सकती है और कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकती है। कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा? कनेक्शन लेस के अंदर क्या होगा हमारे पास? मुझे लगता है बस एक ही बच्चा जो है वो ये पढ़ रहा है, बाकी आई डोंट नो क्या कर रहे हैं आप सारे। चलें खैर, नो प्रॉब्लम जी। इमरान सर उसमें सर आई थिंक चेक बिट्स ही उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसमें जिस तरह लाइक पैरिटी चेक्स होते हैं ना हाँ जी उसमें देख लेती है कि कौन से जो बिट्स उसमें एरर बिट्स रखी जाती है बेसिकली सर, क्योंकि हाँ वहां पर जाके जिस जगह जहाँ पर डिलीवर होनी है वहां पे उन्हीं एरर बिट्स को दोबारा चेक किया जाता है, अगर वो सेम है तो वो ठीक है, अगर नहीं तो वो डाटा जो है वो दोबारा उसकी डिमांड की जाती है ताकि डाटा दोबारा दोबारा मंगवाया जाए और उसको एग्जैक्टली। तो जो है वो हमने दोबारा चेक स्टोर किया जाए। जी जी बिल्कुल शाबाश, थैंक यू इमरान। एग्जैक्टली हम यही मेथड इंश्योर करते हैं। हमारे पास डिफरेंट वेज हैं एक्चुअली चेक करने की। वन ऑफ द मेथड इज डिस्कस्ड बाय इमरान, पैरिटी चेक। लेकिन पैरिटी के अलावा हमारा चेकसम भी होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक भी होता है, एक्सोर के ऑपरेशंस, और वो मतलब कि वो जितने सारे आपने पढ़े हैं वो सारे हम इन्हीं के ऊपर अप्लाई करते हैं। कुछ आपने टेक्निक शायद डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर भी पढ़ी हो, डाटा ट्रांसमिशन की, या डाटा ट्रांसमिशन का कोई कोर्स आपने कोई और भी पढ़ा होगा तो उसमें आपने वो टेक्निक्स जो है वो देखी होंगी। तो वही टेक्निक्स हम बेटा यहाँ पे भी जो है वो यूज कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह से एरर कंट्रोल के बाद बेटा जो नेक्स्ट लेयर होगी हमारी वो क्या है, सेशन लेयर है। सो सेशन लेयर पे हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, तो सेशन लेयर पे हम जो मेक श्योर करते हैं वो मेक श्योर करते हैं, मैं टेक्स्ट बुक ले लूँ जी। सो सेशन लेयर पे हम मेक श्योर करते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सो हम इसमें सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें हम ना एक्चुअली सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स
जो है वो इंश्योर करते हैं अपने इस लेयर के ऊपर, सेशन लेयर के ऊपर। इसके अंदर आप वो सेशन की बात कर सकते हैं, मैंने वो एक्चुअली शायद पहले आपको बता दी थी। तो जैसे मिसाल के तौर पर बेटा एक सिस्टम है, वो कोई आपको 2000 पेजेस भेज रहा है, तो हम ये क्या करते हैं, हम जो है ना वो इन पार्ट्स के ऊपर चेक पॉइंट लगा देते हैं। लेट्स से हमने लगा दिया कि 50 पेजेस के बाद जो है वो ये चीज चेक की जाएगी कि वाकई हमें 50 पेज रिसीव हुए हैं या रिसीव नहीं हुए। अगर तो 50 पेज रिसीव हो गए होंगे तो फिर आगे फर्दर अलाउ किया जाएगा कि फर्दर ट्रांसमिशन की जाए, फर्दर पेजेस को डाउनलोड किया जाए या अपलोड किया जाए, डाउनलोड किया जाए। तो अगर वो 50 पेजेस हमें रिसीव हो गए और उसमें कोई एरर नहीं है और हम कहते हैं कि ठीक है इनमें कोई एरर नहीं, करप्ट नहीं हुए, बिल्कुल ठीक है, तो आप फर्दर कीजिए, तो ये एक्चुअली सिंक्रोनाइजेशन का जो है वो हमारा काम जो है वो सेशन लेयर एक्चुअली रिस्पॉन्ड करती है। सो अब जो सेशन लेयर है बेटा, ये जितनी सर्विसेज पहली चार लेयर्स ने हमें दी, फिजिकल ने, डाटा लिंक ने, नेटवर्क ने, ये एक्चुअली हम समझते हैं कि एक प्रोसेस के लिए इतनी ज़्यादा कोई सफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए हमें मजीद जो है वो कुछ सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। तो सेशन लेयर के अंदर हम एक तो सिंक्रोनाइजेशन की सर्विस को इंश्योर करते हैं, और इसके अलावा सेशन लेयर के अंदर ही बेटा हम जो है वो डायलॉग कंट्रोल की सर्विसेज भी जो है वो इसी के अंदर इंश्योर करते हैं। और इसके अलावा सेशन के अंदर क्या सर्विसेज एक्स्ट्रा कुछ हो सकती हैं जी, सो हम सेशन लेयर के अंदर आप हम ये कह सकते हैं कि एक किस्म की हम ऑथेंटिकेशन पहले करते हैं सेशन स्टार्ट करने के लिए। वो ऑथेंटिकेशन की शक्ल में होती है, हमारे लॉगिन पासवर्ड की शक्ल में होती है, हमारे यूजर नेम और पासवर्ड की शक्ल में होती है। और जब वो हमें अलाउ कर देता है, वो मुख्तलिफ वेज भी हो सकते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट भी हो सकता है आपको वेरीफाई करने के लिए, और कुछ भी हो सकता है। सो ऑथेंटिकेशन के बाद हम ऑथराइज हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर ऑथराइज होने के बाद हम अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। फिर अगर मैंने एक सामने HBL के एप्लीकेशन पर लॉगिन किया है, तो HBL के एप्लीकेशन पर उसने मेरा यूजर नेम लिया, मेरा पासवर्ड लिया, और वो यूजर नेम और पासवर्ड लेने के बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि वो मुझे मेन्यू शो कर देगा। फिर उसके बाद मेरी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, वो टू वे कम्युनिकेशन है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है। सो मैं दोनों तरह से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर टाइप के, मैं अब उसको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आगे मुझे फलाना पेज लोड करके दे रहा है, और वो सारी चीज़ें जो चल रही। सो हम ये कह सकते हैं कि सेशन लेयर ना सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन को इंश्योर करती है, सिंक्रोनाइजेशन मैं दोबारा एक दफ़ा बताना चाहूँगा, सिंक्रोनाइजेशन को अभी मैं हाईलाइट करता हूँ दोबारा। तो सिंक्रोनाइजेशन के अलावा ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और डायलॉग कंट्रोल भी इंश्योर करती है। डायलॉग्स ये किस्म के हमारे सेशन में चल रहे होते ना, तो वो भी इंश्योर करती है ये जो हमारी सेशन लेयर है। और जो मैं बात कर रहा था सिंक्रोनाइजेशन की, तो सिंक्रोनाइजेशन सिमिलर एज के जैसे मैं कोई किसी वेबसाइट से 2000 पेजेस डाउनलोड कर रहा हूँ, तो ये सिंक हो के मेरे पास डाउनलोड हो गया, यानी कि सिंक होने से मुराद ये कि इसमें मैं कुछ चेक पॉइंट डाउनलोड चेक पॉइंट सेट कर देगी कि 50 पेजेस हैं, 50 पेजेस के बाद मैंने चेक करना है कि क्या पूरे के पूरे मुकम्मल 50 पेजेस मेरे पास आ सके या नहीं आ सके, या उसमें कोई पेज करप्ट तो नहीं होगा, हो गया तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी। तो ये चेक पॉइंट्स डाल देते हैं कि जी 50 पे चेक पॉइंट, तो फिर अगले 50 पे फिर चेक पॉइंट, फिर अगले 50 पे चेक पॉइंट। तो ये पॉइंट हम सिंक्रोनाइजेशन के अंदर जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं, ये पॉइंट हम उसके अंदर लेके चल सकते हैं। सो इसी तरह से बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट जो लेयर है, वो नेक्स्ट लेयर हमारी प्रेजेंटेशन की लेयर है। सो आई थिंक ये वाली लेयर तो काफ़ी अच्छी तरह से आपको जो है वो अंडरस्टैंड याद होगी, आपको रिवीजन की जरूरत नहीं होगी। बड़ी सिंपल सी बात है कि आप देखिए आपका मैसेज बिल्कुल करीब करीब है, अब आपके यूजर के पास जो है मैसेज पहुंचने वाला, एप्लीकेशन के पास जो है मैसेज पहुंचने वाला, लेकिन उससे पहले आपको फिर भी कुछ चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती हैं। क्या इंश्योर करनी पड़ती हैं? आपको सिमेंटिक्स इंश्योर करने पड़ते हैं भाई। सिमेंटिक्स से मुराद ये है कि वो रीडेबल होना चाहिए ना, आपको समझ भी आना चाहिए कि अब पीछे आपने पता नहीं क्या क्या परफॉर्म किया, आपने उसको उसके साथ लॉजिकल एड्रेस लगाया था, डाटा फ्रेम बनाया हुआ था, सेगमेंट्स बनाई हुई थी, डाटाग्राम बनाया हुआ था, और उसको एक मतलब कि अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लेके जाना चाहिए, सिमेंटिक फॉर्म में लेके जाना। तो सिमेंटिक के लिए फिर क्या करेंगे, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड बनाने के लिए हमें इस लेयर को क्या करना चाहिए, इस लेयर को फिर ट्रांसलेशन परफॉर्म करनी चाहिए। तो ट्रांसलेशन के अंदर बेटा क्या होगा, जो आपका रनिंग प्रोग्राम होगा, क्योंकि उस जो आपका रनिंग प्रोग्राम है जैसे व्हाट्सएप है या जो भी है, वो इन्फॉर्मेशन अगर एक्सचेंज कर रहा है, मैं एक्चुअली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा मैं बात करता हूँ, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, मैं
देखिए, जब आप प्रेजेंटेशन लेयर को एज ए रिसीवर एंड से बात करेंगे तो तब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट हो जाएगी, जब सेंडर एंड से बात करेंगे तब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट हो जाएगी। तो मैं दोनों को ना दरमियान में दोनों को कोशिश करता हूँ कॉम्बो बना के आपके साथ डिस्कस करूँ, लेकिन अगर आप किसी पॉइंट पे कंफ्यूज हो रहे हैं प्लीज डू लेट मी नाउ एट दैट मोमेंट, मुझे फॉरन ही स्टॉप किया करें और पूछा करें। तो इसमें ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन की जरूरत क्यों है हमारे पास? देखिए, जो हमारे पास रनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं दोनों सिस्टम के अंदर, वो जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे जाहिर सी बात है वो करेक्टर स्ट्रिंग्स नंबर इसकी शक्ल में एक्सचेंज करेंगे, लेकिन जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही होगी वो तो जो पिछली लेयर से सेशन लेयर से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही होगी वो तो बिट्स की शक्ल में होगी ट्रांसमिशन के वक्त, तो इसलिए फिर उसकी ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि डिफरेंट कंप्यूटर्स डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो प्रेजेंटेशन लेयर एक्चुअली सिमेंटिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटरऑपरेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनकोडिंग मेथड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, 1 मिनट इज लेफ्ट,